क्या ऐसी कोई संभावना महाराष्ट्र को लेकर इन दोनों चुनाव के साथ आने वाले वक्त में क्लब होने की है, या महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनाव अलग होंगे? सर, महाराष्ट्र का चुनाव और हरियाणा का चुनाव एक साथ। देखिए, पहले महाराष्ट्र और हरियाणा एक साथ हुए थे। 3 नवंबर हरियाणा की डेट है तो 26 नवंबर महाराष्ट्र की डेट है, राइट। उस समय में J&K वॉज ए नॉट ए फैक्टर, सो वन कुड हैव गॉन लिटिल लेटर। दिस टाइम देर आर 4 elections in this year and 5th election just immediately after this, that is to start with J&K, Haryana, Maharashtra, Jharkhand and Delhi. So depending on the forces, requirement of forces, which is as I said, which is in a higher tone in J&K, हमने दो चुनाव को एक साथ करने का निर्णय लिया। और फिर ऐसा नहीं कर सकते कि जब J&K अनाउंस करें और J&K चल रहा हो तो उसके बीच में दूसरा अनाउंस करें, और साथ ही साथ और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं। वो फैक्टर्स क्या हैं? अभी महाराष्ट्र में बारिश भी थी, BLOs का वर्क करना बाकी है, और बहुत सारे फेस्टिवल्स भी हैं जिसको हमें शेड्यूल करने में देखना है। दैट इज लाइक गणेश फेस्टिवल, पितृपक्ष, नवरात्रि, दिवाली, ऑल दैट पुट टुगेदर, दिस इज व्हाट वी थॉट दैट वी कैन हैंडल एज 2 elections एट ए टाइम। सो देयरफॉर वी डिसाइडेड टू गो दिस, एंड इन एनी केस इट इज विद इन 6 months ऑफ द शेड्यूल ऑफ द टर्म ऑफ द असेंबली विच इज एंडिंग।